जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से दो ज्योतिर्लिंग जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि है हमारे महाकालेश्वर और नर्मदा नदी के तट पे बसे हुए हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों आज की वीडियो पे मैं आपको ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों एक साथ यात्रा कैसे बनाना है इसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। तो यदि आप ओमकारेश्वर महाकालेश्वर दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको ओमकारेश्वर कैसे पहुंचना है या उज्जैन महाकालेश्वर आपको कैसे पहुंचना है, कितने दिन की हमारी ये ट्रिप रहेगी, दोनों को हमको यात्रा कैसे करना है और हमारा होटल अकोमोडेशन कहाँ रहेगा, यानी कि हमारा स्टे कहाँ रहेगा, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हमको घूमने हैं ओमकारेश्वर में और महाकालेश्वर में। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस दोनों यात्रा को करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो बने रहेगा दोस्तों मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो बिना विलंब किए चलिए आइए वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि आपको महाकालेश्वर कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों यहाँ पहुंचने के आपके पास मेजर दो ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं इन दोनों ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के लिए, तो आपका जो नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ता है वो पड़ेगा आपका उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन, यानी कि उज्जैन जंक्शन से आपको उज्जैन महाकालेश्वर की दूरी 2 किलोमीटर की पड़ेगी। वही अगर आप ओमकारेश्वर की डिस्टेंस देखेंगे तो 160 किलोमीटर की आपकी ओमकारेश्वर की यात्रा पड़ेगी बाई रोड। लेकिन ओमकारेश्वर से भी एक नजदीकी रेलवे स्टेशन है, वो है आपका इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। लेकिन आप इंदौर जंक्शन मत आइए, क्योंकि दोनों जगह में आपको एक ही स्टेशन पे आना पड़ेगा और आपको एक ज्योतिर्लिंग आपको बाई रोड करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, या तो आप पहले उज्जैन कीजिए और उसके बाद बाई रोड यात्रा ओमकारेश्वर करके वापस उज्जैन से अपने ड्रॉप ले सकते हैं, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि या आप इंदौर आ जाइए और इंदौर से आप पहले ओमकारेश्वर कीजिए और वापस आकर आप उज्जैन महाकालेश्वर कीजिए और महाकालेश्वर करके आप अपने उज्जैन से वापसी ले सकते हैं। तो आप चाहे ए से बी रूट बनाइए या फिर आप बी से ए रूट बनाइए, दोनों की बात एक ही है। तो हम जो इस वीडियो में बात कर रहे हैं दोस्तों, वो हम करेंगे उज्जैन टू उज्जैन का, यानी कि पहले हमको उज्जैन आना है और उज्जैन से हम पहले महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे और इसके पश्चात हम ओमकारेश्वर दर्शन करके हम अपनी अपनी वापसी ले लेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका ऑप्शन यदि आप बाई ट्रेन से आना चाहते हैं। वही अगर मैं बात करूँ यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं, तो फ्लाइट के लिए दोस्तों आपका एक ही एयरपोर्ट है, जो कि है आपका इंदौर का अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां आप आ जाइए और इंदौर से आप बाई रोड अपनी उज्जैन की 56 किलोमीटर की यात्रा दूरी तय करके फाइनली उज्जैन पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा कि उज्जैन महाकालेश्वर और हमारे मध्य प्रदेश के दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी कि ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, इन दोनों की यात्रा करने के आपको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए। तो दोस्तों ये ट्रिप हालांकि 3 दिन में भी समाप्त हो सकती है, यानी कि 2 नाइट 3 डेज में भी कम्प्लीट हो सकती है, लेकिन यदि आपके पास समय है तो आप इसको 3 नाइट 4 डेज में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए मैं डे वाइज प्रोग्राम आपको बताता हूँ कि पहले दिन आप आए उज्जैन और उज्जैन में आप यहाँ पे अपना होटल स्टे ले लीजिए। चलिए बात करते हैं कि हमको यहाँ पे होटल कौन कौन से कैटेगरी के मिलेंगे और हमको कितने तक का मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अगर आप सुपर डिलक्स होटल लेना चाहते हैं या 3 स्टार होटल लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे उज्जैन टेंपल के आसपास और रेलवे स्टेशन के आसपास यहाँ पे होटल्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपका मान के चलिए कि जो बजट होता है 1500 से 1800-2000 तक अच्छे कैटेगरी के होटल देखने को मिल जाएंगे। वही अगर आप बजट में चाहेंगे या फिर थोड़े से नॉर्मल होटल में चाहेंगे, तो आपको वहाँ पे 800 से 1000 रुपए में भी होटल अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके आप यहाँ पे अपने होटल की बंदोबस्त कर सकते हैं। वही अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो दोस्तों उज्जैन महाकालेश्वर में और या ओमकारेश्वर दोनों ही जगह पे आपको खाने पीने की किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको भरपेट अच्छे क्वालिटी का मिल जाएगा, जिसका कॉस्ट आप ये मान के चलिए 100 रुपए से स्टार्ट होकर 150-200 रुपए तक आपको भरपेट वेज थाली आराम से यहाँ देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, हम उज्जैन पहुंच चुके हैं, अब हमको उज्जैन में कैसे दर्शन करना है और उज्जैन के हमको कौन कौन से साइट सीइंग करना है उसकी भी हम आगे बात करते हैं आपसे। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं ये 3 से 4 दिन की जो यात्रा रहेगी, इस यात्रा में हम 2 दिन उज्जैन को देंगे। पहले दिन हम उज्जैन जाके महाकाल के दर्शन करेंगे, अगले दिन हम उज्जैन के साइट सीइंग करेंगे और तीसरे दिन हम ओमकारेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए पहले मैं आपको उज्जैन के सारे साइट सीइंग बता देता हूँ और ये भी जानते हैं कि हमारे भोलेनाथ यानी कि महाकाल के हमको दर्शन कैसे करना है और यहाँ पे उज्जैन में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है इसके भी हम जिक्र कर लेते हैं। ये रहा आपका उज्जैन महाकाल का मंदिर, और इस मंदिर में दोस्तों 2 प्रकार की एंट्री होती है। एक एंट्री होती है दोस्तों वीआईपी एंट्री और दूसरी एंट्री होती है सामान्य एंट्री, यानी कि जिसको नॉर्मल दर्शन भी बोला जाता है। वीआईपी एंट्री में दोस्तों आप लगभग 15 से 20 मिनट में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वीआईपी एंट्री आप जैसे ही आएंगे जहां तक ऑटो जाता है उस ऑटो से आपको 10 कदम पैदल चलना पड़ेगा और पैदल चलने के बाद राइट साइड से जो 5 नंबर गेट है वहां से वीआईपी एंट्री होती है और जो 1 और 2 नंबर गेट है वहां से आपकी सामान्य एंट्री होती है।
पांच नंबर गेट से दोस्तों आपको सबसे पहले वीआईपी काउंटर मिलेगा। इस वीआईपी काउंटर में आपको पहले पर्ची कैसे कटानी है, चलिए आइए मैं आपको वो भी बताता हूँ। दोस्तों ये है हमारा टिकट जो कि है सिख दर्शन पास, और इसका रेट जो है ये 250 रुपए की होती है। इसको आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, ऑनलाइन आपको 300 की पड़ेगी, ऑफलाइन लेते हैं तो ये 250 रुपए की पड़ेगी। यहाँ पे काउंटर बना हुआ है, यहाँ से आप अपनी टिकट निकलवा के आप दर्शन करने के लिए लाइन में लग सकते हैं। मोबाइल आपको यहाँ जमा करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप दर्शन करने के लिए लाइन में लगेंगे। किसी भी तरीके का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप अंदर लेके नहीं जा सकते, चाहे वो सिख हो चाहे वो आपका नॉर्मल हो। दर्शन करने से पहले एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जूते चप्पल का स्टॉल बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपने जूते चप्पल कलेक्ट कर देने हैं। यहाँ पे आपको दिया जाएगा एक बैग, और बैग में डाल के आपको आगे दर्शन करने के लिए लगना है हर हर महादेव। काउंटर कटाने के बाद, जूते चप्पल जमा करने के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल यहाँ जमा करें तो आपको मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे आपको पहले मोबाइल जमा करना पड़ेगा, तत्पश्चात आपको यहाँ से महाकाल के दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। अभी मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा सकता, मैं आकर बताता हूँ कि मुझे दर्शन में कितना टाइम लगा और हम महाकाल के दर्शन कैसे किए। जय महाकाल। तो दोस्तों हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए हम मंदिर में पहुंचते हैं, और मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते साथ ही हम महाकाल के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों आप मंदिर प्रांगण में पहुंचिए, वहां पे महाकाल के दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए, ओम नमः शिवाय कहते हुए अपनी मनोकामनाएं मांगिए और आप मंदिर कैंपस से बाहर आ जाइए। दोस्तों जैसे ही आप मंदिर कैंपस से बाहर आते हैं तो यहाँ पे अनेक सारे मंदिर हैं, जैसे कि ओमकारेश्वर का मंदिर है, यहाँ भी आप जाके भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। यहीं पे आपके विट्ठल रुक्मणी माता जी के मंदिर है, वहाँ भी दर्शन कीजिए। हनुमान जी के मंदिर है, गणेश जी के मंदिर है, ये सब भी मंदिर के आप दर्शन कीजिए। और साथ ही साथ उसी मंदिर कैंपस में यहाँ पे आपको भोग लगा, जो लाडू प्रसाद होता है जिसको लड्डू बोला जाता है, वो लड्डू भी यहाँ पे मिलता है, जिसमें आपका एक किलो का, आधा किलो का और एक पाव का पैकेट होता है। तो दोस्तों ये आप लाडू भी ले जा सकते हैं अपने घर के लिए प्रसाद के तौर पे। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगली, कि अब हमको उज्जैन में और कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पे हमको दर्शन करने जाना है, और हमारा कितने दिन का ट्रिप होगा, इसकी भी जानकारी हम आगे लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो दोस्तों जो उज्जैन का वीआईपी गेट था, यानी कि पांच नंबर गेट के ठीक सामने एक बड़ा गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। और यहाँ पे बड़े गणेश जी की आपको बड़ी सी प्रतिमा देखने को मिलेगी, यहाँ जाइए इनके भी दर्शन कीजिए। और इसी के थोड़ा सा 200 से 300 मीटर आगे आपको एक मिलेगा विक्रमादित्य का यहाँ पे स्टैचू, वहाँ भी जाइए आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे भव्य प्रतिमा इनकी बनाई गई है राजा विक्रमादित्य का, तो यहाँ भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर के ठीक पीछे साइड में, यानी कि कहना चाहिए कि लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पे एक और मंदिर है जिसको बोला जाता है हर सिद्धि मंदिर, तो हर सिद्धि मंदिर के भी दर्शन कीजिए। यहाँ पे भी माता जी का ये शक्तिपीठ कहा जाता है, यहाँ भी आप जाके जय माता दी कहते हुए जाइए दर्शन कीजिए। और इसी के साथ ही साथ आप हल्का सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है भारत माता का मंदिर, जो कि 2018 में ये निर्माण किया गया था। हालांकि ये मंदिर नया है और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, तो यहाँ पे भी भारत माता का स्टैचू है, इनके भी दर्शन कीजिए। और हम अब निकल पड़ते हैं उज्जैन महाकाल के सिटी टूर के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिटी टूर जाने के लिए उज्जैन का जो लास्ट डेड एंड पॉइंट है ऑटो रिक्शा का, वहां पे ढेर सारे आपको ऑटो टैक्सी मिल जाएंगे। अगर मैं रेट की बात करूं दोस्तों तो 400 रुपए वो लेते हैं, और आपको फुल डे साइट सीनिंग करा के, यानी कि 3 से 4 घंटे का साइट सीनिंग करा के आपको वापस मंदिर में छोड़ देंगे या फिर रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर देंगे। तो दोस्तों जो अभी का वर्तमान रेट है वो 400 रुपए चल रहा है, अब बार्गेनिंग अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि वो 500 550 रुपए भी आपको वो प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन आपको बार्गेनिंग करके 400 तक लाना है और आप दर्शन करने के लिए निकल पड़िए। अब सबसे पहले जो मंदिर की बात करें, अगर हम सिटी टूर की, उनमें से सबसे पहले आपको दर्शन करने जाना है यहाँ पे भैरव मंदिर। तो सबसे पहले आप जाएंगे भैरव मंदिर। भैरव मंदिर में दोस्तों यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं, यहाँ पे दारू चढ़ता है काल भैरव जी को, तो आप ये सब लेकर आप चढ़ा सकते हैं यदि आप अपनी इच्छा अनुसार चढ़ाना चाहते हैं तो। यहाँ पे दोस्तों काल भैरव मंदिर जाने से पहले यहाँ पे जूते चप्पल का काउंटर है, यहाँ पे जूते चप्पल आप रख दीजिए, अंदर मंदिर प्रांगण में प्रवेश कीजिए, और यहाँ पे कम से कम आपको आधे घंटे 45 मिनट लाइन में कम से कम लगता ही है, तो यहाँ पे आप लाइन में लगिए, इनके दर्शन कीजिए, और आप ये दर्शन करके भी बाहर आइए और निकल पड़िए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका गढ़काली का मंदिर। तो दोस्तों गढ़काली का, यानी कि दोस्तों यहाँ पे माता जी का मंदिर है, गढ़काली माता जी का मंदिर है, यहाँ पे भी आइए, यहाँ पे भी दर्शन कीजिए, यहाँ पे भी आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, यहाँ पे दर्शन कीजिए, जय माता दी कहते हुए आप निकल पड़िए अगले स्थान की तरफ, और वो है आपका मंगलनाथ मंदिर, जो कि ये मंदिर भोलेनाथ मंदिर को समर्पित है। तो दोस्तों मंगलनाथ मंदिर भी आपका उज्जैन से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, तो यहाँ पे भी आइए और यहाँ पे भी दर्शन कीजिए। हर हर महादेव कहते हुए इस मंदिर में और भी ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे आ सकते हैं, और इस मंदिर लिंग में दोस्तों पूजा अभिषेक ये सब भी कराने की यहाँ पे प्रथा है और लोग करवाते हैं, तो यदि आप करवाना चाहते हैं तो आप मंगलनाथ मंदिर में करवा सकते हैं। चलो दोस्तों बात करते हैं हम अगले स्थान की तरफ, और वो है यहाँ पे भृतहरि जी का गुफा। दोस्तों ये आपका सिटी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, तो यहाँ पे भृतहरि जी का गुफा है, तो यहाँ पे भी आप आके दर्शन कर सकते हैं। राजा भृतहरि जी के गुफा में आने के लिए
यहाँ पे दो द्वार हैं, एक गुफा एक है और एक गुफा दो है। दोनों गुफे में आपको झुक के जाना पड़ता है। तो आप जाइए, इनके भी दर्शन कीजिए। यहाँ पे इनकी कुटिया है, यहाँ पे इनका गुफा है, यहाँ भी दर्शन कीजिए और दर्शन करने के पश्चात आप निकल पड़िए अगले स्थान पे, जो कि है आपका वट सावित्री मंदिर। दोस्तों यहाँ पे एक वट वृक्ष है, यहाँ पे शंकर जी का भी मंदिर है और यहाँ पे वट सावित्री जी की लोग जो उपासना करते हैं, लोग यहाँ आके दर्शन करते हैं। यहाँ पे वट वृक्ष है और इसी वट वृक्ष के ठीक नीचे साइड में यहाँ पे शिप्रा नदी भी है। तो लोग यहाँ स्नान करके भी दर्शन करते हैं, साथ ही साथ महाकाल के भी दर्शन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उज्जैन में शिप्रा नदी तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप दर्शन कीजिए और इसके पश्चात आप चल पड़िए अगले और अंतिम स्थान पे, जो कि है यहाँ पे महर्षि संदीपनी आश्रम, जो कि श्री कृष्ण जी की और सुदामा जी का जो कि ये विद्यालय था। यहीं से श्री कृष्ण जी और सुदामा जी यहाँ से अपनी विद्या ग्रहण की थी और यहाँ पे उन्होंने क्या क्या कला सीखी थी, इन सब कलों का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे किस किस तरीके की विद्या ली थी। और यहाँ पे आप जाकर कम से कम आधे घंटे आप दीजिए, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण जी के विद्यालय को देखने के साथ ही साथ यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने जो 14 विद्याएं सीखी थी वो सब का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये रहा आपका महाकालेश्वर का पूरा कंप्लीट साइट सीनिंग, कि हमारा क्या क्या दर्शन करना था और हमको किस तरीके से यहाँ पे अपनी योजना बनानी थी। चलिए अब बात करते हैं कि हम तीसरे दिन, यानी कि दो दिन हम यहाँ पे अपना विराम लेने के पश्चात तीसरे दिन हम निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे ओमकारेश्वर के लिए। उज्जैन से जो ओमकारेश्वर की दूरी है दोस्तों वो आपकी 160 किलोमीटर की पड़ जाती है, जिसको कवर करने में आप मैक्सिमम 4 घंटे आपको लगेंगे। और आप 7 बजे अगर सुबह निकलेंगे तभी आप वहां पे 4 घंटे में पहुंचकर यानी कि 11 बजे पहुंचेंगे और वहां पे आप दर्शन करके यानी कि ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद आप वापस सेम डे रिटर्न आ सकते हैं। तो चलिए हम 7 बजे अब अर्ली मॉर्निंग हम ब्रेकफास्ट करके होटल से निकले हमारे नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग यानी कि ओमकारेश्वर के लिए। दोस्तों उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने के लिए आपको 4 घंटे लगेंगे। 11 बजे तक हम फाइनली पहुंच गए नर्मदा नदी के घाट के किनारे यानी कि हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के समीप। अब यहाँ पे दोस्तों आपको नर्मदा नदी पार करके जाना है, जहां पे आपको गाड़ी वाला छोड़ेगा या फिर बस स्टैंड पे अगर आप आते हैं बाई बस के द्वारा, तो आप बस के द्वारा भी आएंगे तो यहाँ पे आपको बस स्टैंड पे ड्रॉप किया जाएगा और बस स्टैंड से मंदिर की दूरी दोस्तों 1.5 किलोमीटर की पड़ जाती है। दोस्तों ओमकारेश्वर प्रवेश द्वार पे जैसे ही पहुंचेंगे तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम पे जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे भीड़ ज्यादा भी हो या फिर ये भी हो सकता है कि आपके दर्शन आधे घंटे में भी हो जाए। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम पे जा रहे हैं। यदि सोमवार का समय है तो भीड़ ज्यादा रहेगी या फिर महाशिवरात्रि का पर्व है, सावन का पर्व है, तो यहाँ पे ओमकारेश्वर में भीड़ ज्यादा होती है, क्योंकि ओमकारेश्वर का जो प्रांगण है वो काफी सकरा है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा क्यू का बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। तो ओमकारेश्वर में लेके हर हर महादेव का नाम लीजिए और यहाँ पे हमारे सामने ओमकारेश्वर की ज्योतिर्लिंग विराजमान है। तो यहाँ पे जल अर्पण होता है दोस्तों, तो आप जल लेके जाइएगा साथ में लाइन में, यहाँ पे जाइए जल अर्पण कीजिए और जल अर्पण करने के बाद वापस मंदिर से बाहर आ जाइए। जैसे आप मंदिर से बाहर आएंगे दोस्तों सामने आपको एक झूला पुल दिखेगा, इस झूला पुल से आप जाइए, जिसको केबल ब्रिज भी बोलते हैं। तो इस केबल ब्रिज से आप इस नदी के इस पार से उस पार जाइए, आपको एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है जिसको बोला जाता है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। हालांकि ये ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के साथ ही है, क्योंकि ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये दोनों ज्योतिर्लिंग को कंप्लीट करेंगे तब आपका एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम उस दिशा की तरफ यानी कि नर्मदा नदी के उस पार हम चलते हैं अपने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने। दोस्तों ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी काफी प्राचीन मंदिर है, यहाँ भी जाइए, यहाँ थोड़ी सी रश कम होती है लेकिन यहाँ पे आप जाइए दर्शन कीजिए, आपको कम से कम आधे से 1 घंटे यहाँ भी लग जाएंगे। तो इनके दर्शन करने के पश्चात आप वापस अपनी वापसी ले सकते हैं। एक चीजों का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यदि आप यहाँ पे नर्मदा नदी पे बोटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे बोटिंग के भी दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप कंप्लीट बोटिंग लेंगे दोस्तों तो आपको 100-150 रुपए लेते हैं 1 राइड का, और वही अगर आप इस पार से उस पार आएंगे यानी कि ओमकारेश्वर से ममलेश्वर की तरफ अगर आएंगे तो आपको 220 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से शेयरिंग पे आपको ये भी लेके आया जाता है। तो आप नर्मदा नदी पे ये भी आप जरूर एक बार एक्सपीरियंस लीजिएगा यदि आप बोटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो दोस्तों ये ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के पश्चात आप उसी दिन अपने उज्जैन के लिए वापसी ले सकते हैं, क्योंकि आपका उज्जैन पे ही सारा सामान और होटल स्टे वहाँ है। तो आप ये समझ के चलिए कि आप शाम तक 7-8 बजे तक एनी हाउ आप उज्जैन पहुंच जाएंगे और आप उस दिन अपना रात्रि स्टे लीजिए और अगले दिन यानी कि चौथे दिन आप अपनी वापसी ले सकते हैं, चाहे आपकी फ्लाइट हो इंदौर से चाहे आपकी ट्रेन हो उज्जैन से। तो दोस्तों ये रहा आपका उज्जैन और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दोनों यात्रा एक साथ कैसे करें इसकी संपूर्ण जानकारी। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि इस यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप 2 नाइट 3 डेज की यात्रा बना रहे हैं तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि आपका 4,000 से 4,500 रुपए लगेगा एक व्यक्ति का, और आप आराम से अच्छे होटल के साथ आप स्टे करके खान पान करके आप ये दोनों ज्योतिर्लिंग अपनी यात्रा संपूर्ण कर लेंगे। वही अगर आप बस से यात्रा बनाते हैं यानी कि बस के माध्यम से सारा ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं तो आपका ये मान के चलिए कि पैकेज आपका और आधा हो जाएगा और आप इससे सस्ते में भी कर लेंगे। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है दोस्तों कि आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या बैचलर्स आ रहे हैं या फिर आप कौन सा ऑप्शन चुन रहे हैं इस दोनों ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के लिए। वही अगर मैं बात करूं कि उज्जैन महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर का पैकेज लेके घूमना है या फिर क्या कॉस्ट जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों नंबर दिया गया है और पॉपअप में भी नंबर आ रहा है, इस नंबर पर जाकर आप कॉल कीजिए और आपको जो भी जानकारी चाहिए आप वहां से ले सकते हैं या फिर कोटेशन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक संपूर्ण वर्णन।
इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम या तो साइड में विजिट कीजिए, डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, हर हर महादेव, विश्व सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।